अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नाम भी आप जानते होंगे, मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह को भी जानते होंगे। आपने ठीक गैस किया, दिस इज़ अहमद फ्रॉम बिल्स मार्क। आज फिर मैं मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे एक बार फिर से डेवलपमेंट की अपडेट आपके साथ शेयर करने के लिए। इस टाइम मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये C1 रोड है। C1 रोड B1 रोड से कनेक्ट करती है और वहाँ से लाहौर ईस्टर्न बाईपास तक स्ट्रेच होती है। B1 रोड जिसकी मैंने आपको पहले स्टेटस बताया था कि एसफॉल्ट किया जा रहा है B1 रोड पे। अभी B1 रोड का डेवलपमेंट स्टेटस ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं और प्लांटेशन की जा रही है ग्रीन बेल्ट के अंदर। तो ओवरऑल बड़ी स्पीडी डेवलपमेंट जो है वो जारी है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने B1 की डेवलपमेंट स्टेटस वो जो है ना उसके ऊपर फोकस किया था और वो बताया था B1 रोड, उसके बाद अंडरपास कहाँ पे आ रहा है, B1 रोड कहाँ से स्ट्रेच होके कहाँ पे टच कर रहा है, GT रोड को कहाँ से कनेक्टिविटी है। तो कई क्लाइंट्स के ये क्वेश्चन थे, यार ये जो रोड का पीस आप दिखा रहे हैं एसफॉल्ट हुआ, ये रोड असल में है कहाँ पे। इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होता है कि यार ऐसी सोसाइटी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप जब फिजिकली विजिट करते हैं तब आपको पता चलता है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन वर्चुअली आपको आइडिया हो जाए कि भाई ड्रोन फुटेज के साथ कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, कहाँ से किस चीज़ का एक्सेस है। आज मैं आप लोगों को एक ड्रोन फुटेज ऐसी दिखाऊंगा जिसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि असल में एसफॉल्ट किस जगह पे हो रहा है, एसफॉल्ट किस जगह पे हो रहा है, B1 किस जगह से स्टार्ट हो रही है, इसकी C1 की कनेक्टिविटी B1 के साथ किस जगह पे है। ये जितनी टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब आपको समझ आएगी जब आप ये फुटेज देखेंगे। यहाँ पे जो आपको रोड नज़र आ रही है ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास है। लाहौर ईस्टर्न बाईपास से अब जो रोड आपको नज़र आएगी ये वाली रोड, ये C1 रोड है। C1 रोड जाके कनेक्ट करती है B1 मेन बुलेवर्ड को। अभी जो आप देख रहे हैं ये जंक्शन है B1 और C1 के दरमियान में। अभी B1 से हम जा रहे हैं GT रोड की तरफ, अंडरपास के ज़रिए होते हुए B1 से हम GT रोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक L टाइप जंक्शन बनता है जो C1 और B1 को 90 के एंगल पर जोड़ता है। अब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि B1 कहाँ पे है, C1 कहाँ पे। जो टेक्निकली टर्म्स हम बोलते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो धर्म भरम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि ऑन ग्राउंड साइड पे जाके मैं एक ऐसी फुटेज बनाऊँ जिससे आपको पता चल सके कि फिजिकली जो है वो C1 B1 कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इनकी एंट्री एग्जिट कौन सी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। लास्ट वीडियो में मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था, नहीं मैं दुबई में नहीं स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ क्योंकि ग्रीन बेल्ट है। तो कई लोगों ने बोला कि यार ये रेगिस्तान में खड़ा हो गया, आप बोल रहे हो दुबई में खड़ा हूँ। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ा है कि दुबई भी रेगिस्तान ही है और वहाँ की अगर आप जाके रियलिटी देखें, आप कभी फुजेरा घूमें, रसल खैमा घूमें, तो आपको ऐसे की जगह ही देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा लेकिन जो ओरिजिनल लैंड है वो तो रेगिस्तान है ना। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको स्मार्ट सिटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने दुबई का वर्ड स्पेसिफिकली क्यों यूज़ किया। यहाँ पर जब मैं आया हूँ ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। दुबई में कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आप विजिट करते हैं ना तो वहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को देखते हैं काम करते हुए तो उन्होंने हेलमेट पहना होता है, सेफ्टी शूज़ पहने होते हैं और थोड़े थोड़े फासले पे आपको पानी के ठंडे टैंक मिलते हैं जिनके अंदर लेमन निचोड़ा होता है। गर्मी में आपको पता है कि जो पानी वर्कर्स को दिया जाता है वो लेमन निचोड़ के दिया जाता है। तो जब मैं यहाँ पर एंटर होता हूँ मुझे तकरीबन 100% नहीं तो तकरीबन 95-90% जो है वो सेम फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर भी जगह जगह पर हमें वाटर टैंक्स मिलते हैं जो ठंडा तरीन पानी होता है, उसके बाद उसके अंदर लेमन होता है, वर्कर्स कभी भी जाके वहाँ से पानी पी सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी हेलमेट का ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी शूज़ का ख्याल रखा जाता है। फिर जितनी भी मशीनरी इन आउट होती है वो सारी लॉग इन लॉग आउट की जाती है। तो तकरीबन मिलता जुलता सिनेरियो है। एक चीज़ जो 100% मुझे यहाँ सेम देखने को मिली वो जितने भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स, जितना भी लेबर यहाँ काम कर रहा है वो यहाँ का लोकल लेबर नहीं है। जैसे दुबई में होता है वहाँ पे भी लोकल लेबर नहीं होती, यानी कि वहाँ के अपने लोग जो हैं वो लेबर के तौर पे काम नहीं करते, वो दूसरे ममालिक से आए होते हैं। यहाँ पे दूसरे ममालिक से तो नहीं खैर, लेकिन दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं। लोकल लेबर का ये नुकसान होता है कि वो बहाने बहुत करते हैं, वो लेट आते हैं, उनसे उस तरीके से काम नहीं लिया जा सकता जैसे दूसरे शहरों से आए लोग लगन से काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है हम अपनी फैमिली को फीड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, काम करेंगे, कुछ कमाएँगे। तो फिर तो ये सारा सिनेरियो मिलता है हमारा इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ। तो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि दिन रात काम होता है, किसी भी टाइम आप किसी भी लेबर को बुला सकते हैं, उसके रूम में जाके उसको उठा सकते हैं भी आपकी ज़रूरत है आप आओ। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है एक बंदे के लिए काम लटकता जाता है और काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, जिस बंदे की आपको ज़रूरत है उसके रूम में जाके आप उसको बुला सकते हैं। तो यहाँ लेबर से मेरी काफ़ी कोई फ्रेंडली गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे पूछा आपके लीव महीने में कितनी होती है, छुट्टियाँ कितनी होती हैं, वीकली क्या होती, खाते क्या हो, कपड़े कौन होता है। यानी कि मैं कोशिश कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट को डीपली स्टडी करूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये कितना अपनी लेबर का ख्याल रख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बस लेबर से काम करवाई जा रहे हैं और सैलरीज पेंडिंग है, एक दिन ये लोग ऐसे भाग जाएंगे, लेबर की भी सैलरी लाई जाएगी और जिन्होंने फाइल्स परचेज़ की हैं वो भी, क्योंकि जिसने भागना होता है ना वो इस तरह का सिनेरियो करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक जो नोटिस किया, जो लेबर है दे आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद HRL, इवन वी आर प्राउड टू वर्क विद HRL। जब मैंने इनका सारा निज़ाम देखा, मैंने कोशिश की कि अंदर तक मैं जानूँ, एक कंपनी के स्टैंडर्ड से, उनकी वर्किंग स्टाइल से आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी किस तरह की है। तो ये कोई ठेकेदारी वाला निज़ाम नहीं मुझे यहाँ मिला, एक बाकायदा एक टीम वर्क मिला और एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंडर ईच एंड एवरीथिंग उसके कंट्रोल में है, उसके इल्म में है, और सिक्योरिटी का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करने का मकसद मेरा ये था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर की है, आपका ये राइट बनता है कि आपको एक एक चीज़ का पता हो, और हम यहाँ पर आके आपको लेटेस्ट जो चीज़ है, डेवलपमेंट है और लेटेस्ट जो भी यहाँ पे काम हो रहे हैं वो सारी अपडेट करते हैं। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी शेयर कर सकूँ। गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए कोट उतार दी है और अभी इंशाल्लाह निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।